गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़े थे पचराहे, जिसके लेखक मंडल के द्वारा रचित है। पचराहे पाठ में हमने यह पढ़ लिया था कि छत्तीसगढ़ की जो परंपरा और संस्कृति जो है, आज भी बहुत सारे खुदाई से पता चलता है। और आपको यह भी बता दूं कि पचराहे नामक इस ग्राम में सोमवंशी काल के पीछे जो कलचुरी काल आबाद था, यह भी उसके प्रमाण भी इसके यहाँ के खुदाई से मिलते हैं। प्रताप मल्लदेव के द्वारा निर्मित सोने के सिक्के दो प्राप्त हुए, और तो और जाजल देव और पृथ्वी देव के द्वारा भी चांदी का सिक्का चलाया गया था कलचुरी काल के पीछे। तो फणी नागवंशी राजा का यहाँ कब्जा हुआ, और उसके बाद वे जो है यहाँ मंदिर और महल बनवाए। और यह भी बात कहा जाता है कि फणी नागवंशी राजा जो है कन्हर देव के सोने का सिक्का भी यहाँ से प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। यह भी बात कहा जाता है कि फणी नागवंशी राजा जो है धीर देव जसराज देव के द्वारा भी चांदी का सिक्का चलाया गया था, वहाँ भी यहाँ से प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ यह भी बात कहा जाता है कि मुगल काल के समय पचराहे जो है बड़ा महत्व रखा करता था, क्योंकि यह भी प्रमाण मिलते हैं कि उस समय यह व्यापारिक ठिकाना था, व्यापारिक लेन देन यहीं से हुआ करता था। मुगल काल के लगभग एक दर्जन सिक्का जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इससे यह बात पता चलता है। पचराहे जो है 11वीं और 12वीं ईस्वी वा शिल्प वास्तुकला का बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि उस समय का यह सांस्कृतिक केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र का ठिकाना रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मंदिर मूर्ति छोड़े यहाँ आम मनखे की बसाहट जो है, मनुष्यों की बसाहट के अवशेष मिलते हैं। सुरक्षा के लिए भीतरी दीवार के भीतरी खास मनखे या इंसान जो है रहा करते थे, इसका भी हमें प्रमाण मिलता है। और यह भी बात कहा जाता है सोने चांदी और तांबा के सिक्के जो हैं इस समय प्रचलन में था, इसका भी प्रमाण मिलता है। और यह भी बात कहा जाता है कि कुम्हार लोहार जैसे लोगों का उपयोग जो है, या उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग जो है, बहुत सारे अवशेष उन वस्तुओं का अवशेष जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि कुछ बच्चों का खिलौना भी जो मिट्टी के बने हुए थे, और वह मिट्टी के कुछ बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोहा तांबा के औजार भी मिलते हैं, और गहना या आभूषण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 पंचायत शैली के साथ साथ यह भी बात कहा जाता है कि राजपुरुष उमा महेश्वर के बहुत सारे बड़े सुघर मूर्ति जो हैं प्राप्त हुए हैं, बड़े सुंदर मूर्ति प्राप्त हुए हैं। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 माँ 3 परकोटा के नीचे जो है एक बड़ा सा पत्थर मिला, लगभग वह 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, और ईटा के बने पर्दे मिले हैं, और महल के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का अवशेष भी देखने को मिलता है। पचराही में अभी तक 6 मंदिर प्राप्त हुए अवशेष से पता चलता है, और ये बड़े ही सुंदर ढंग से कलात्मक मूर्ति जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बकेला हाप नदिया के वो पार बकेला गांव के आसपास जैन मूर्ति के शिल्प जो है शिल्प देखने को मिलता है, और धर्मनाथ शांतिनाथ और पाशवनाथ के खंडित मूर्ति भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। उसी के पास एक डोंगरी नाम का एक गांव है, जहां जैन मंदिर के द्वार पर शाखा
या शाखा रखा हुआ था, जिसे मंझोत या सामने महावीर स्वामी की मूर्ति है, यह भी देखने को मिला। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व का गौरव है। वास्तव में छत्तीसगढ़ के पुरातत्व का गौरव पचराही गांव को माना जाता है। आज इसकी शोर संदेश जो है दुनिया भर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसकी प्रतिष्ठा जो है चारों तरफ फैले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो खुदाई के अवशेष मिले हैं, तो यहाँ बहुत अत्यधिक पुराने अवशेष जो है खुदाई से प्राप्त हुए हैं। और कहा जाता है ऐसे बहुत सारे वस्तु और भी प्राप्त होने हैं, ये भी अनुमान लगाया जाता है। तो बच्चों, ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।